हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। और सुबह का ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग आप लोग को। और आज मैं एक रेसिपी के साथ आप लोग के सामने आई हूँ। ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि कल मेरा बेटा हरा टमाटर लेकर चला आया। हमने कहा चलो हरा टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं। और मैं कैसे बनाती हूँ, बस मैं ही वही शेयर आप लोग के संग करना चाहती हूँ। और अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का इंतज़ार रहता है, लाइक का इंतज़ार रहता है, और अगर काम का लगे तो शेयर भी कर दीजिए, है ना? और कुछ और बोलना है? हाँ बोलना है ना, अब बॉबी लाइफ स्टाइल है, बॉबी सीक्रेट नहीं है। चलिए जल्दी से बनाते हैं। देखिए, हरे टमाटर की सब्ज़ी के लिए हरा टमाटर चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिया है। चलिए बनाते बनाते देख लेते बाकी का क्या मिला रहे हैं हम। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी, ज़ीरा थोड़ा चटक जाए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लहसुन और मिर्चा लिया है, हरा मिर्चा लिया है। इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। चलिए अब इसमें मैं छोटे छोटे प्याज डालूंगी। ये अगर ये पूरी तरह से ऑप्शन है, अगर घर पे हो तो ज़रूर डालें, क्योंकि हरे प्याज की सब्ज़ी में ना ये प्याज बड़ा टेस्टी बन जाता है, इसलिए मैं डालती हूँ। अगर नहीं होगा तो मत डालें, हो तो ज़रूर डालें। चलिए इन्हें भी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कम से कम फ्राई कर लें। चलिए इस समय मैं टमाटर को भी डाल दे रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालें, और इसी समय मैं हल्दी को भी डाल दूंगी। चलिए मैं फिर से एक बार फ्राई कर लेते हैं। हरा मिर्चा तो डाला है, पर मैं फिर भी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ। पर अगर आप लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो मत डालें। और इसी समय मैं उबला हुआ आलू डालूंगी। उबला हुआ आलू ही मैं डालती हूँ, कच्चा आलू उसका टाइम भी तो लग जाता है जी। चलिए इनको अच्छे से पहले फ्राई कर ले, उसके बाद हम क्या मिला रहे हैं वो भी दिखा देते हैं। मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाला लिया है, जो कि मेरा ये होममेड है। आप लोग बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको 1 मिनट के लिए बस थोड़ा सा मिला के, बस थोड़ा सा पानी मिलाऊँगी इसमें। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तक कि दाल चावल हो या रोटी हो, जिसके संग भी खाए, ये अपने आप में हीरो है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं। और 2 मिनट के लिए इसको ढक कर रखेंगे, क्योंकि इसमें प्याज भी है तो प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। और टमाटर ग्रीन टमाटर है तो वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसलिए मैं कम से कम 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर रख दूँगी। पूरी तरह से तैयार है। अगर आप लोग ग्रेवी नहीं रखना चाहते, सूखा रखना चाहते, तो आप लोग सूखा भी रख सकते, पर मैंने थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाया है। चलिए सर्व करते हैं। आप लोग के लिए हरे टमाटर की सब्ज़ी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर पसंद आता है तो मेरे लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है जी, हमको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। खैर मैं फिर मिलूंगी दूसरी रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय।